हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज हम बनाएंगे 50 ग्राम काजू से काजू की कतली। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 ग्राम काजू से हम कैसे काजू कतली बनाएंगे, तो मैं आपको ये सीक्रेट तरीका बताती हूँ। और देखिए हमारी कतली बनी भी कितनी सॉफ्ट है, और इसको बनाने के लिए भी मुझे ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। इस दिवाली आप भी इस कतली को जरूर बनाइए, अपने घर में आने वाले मेहमानों को खिलाइए, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको मेरी बताई हुई ये कतली कैसी लगी। तो चलिए हम झटपट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम काजू के टुकड़े लिए हैं, और 250 ग्राम मूंगफली ली है जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, और ठंडा करके इनका छिलका भी मैंने हटा लिया था। आप चाहें तो मूंगफली को ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों चीजों को ही 2 घंटे के लिए फ्रीजर में भी रखा था। अब हम इनका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। ग्राइंडिंग जार में मैं थोड़ी सी मूंगफली डालूंगी और इनको पल्स पर चलाऊंगी। पल्स का मतलब यानी मैं रुक रुक के अपनी मिक्सी को चलाऊंगी। अगर हम मिक्सी को लगातार चलाएंगे तो मूंगफली में से ऑयल रिलीज होगा। देखिए मैंने ये ग्राइंड कर लिया है, अब मैं इसको छान भी लेती हूँ। अब छानने के बाद में जो हमारे पास ऊपर दरदरा मूंगफली का पाउडर है, इसको मैं दोबारा से जार में डालूंगी और इसको ग्राइंड कर लूंगी। बस इसी तरीके से मैं अपनी सारी मूंगफली को ग्राइंड करूंगी और मैं इसको छान लूंगी। अब जो हमारे पास ये लास्ट में पाउडर बचा है, इसको मैं उठाकर रख लूंगी और कभी अगली बार जब मैं कतली बनाऊंगी या किसी सब्जी की ग्रेवी में यूज कर लूंगी। अब इसी तरीके से मैं अपने काजू का भी एक पाउडर बना लूंगी और इसको भी मैं छान लूंगी। देखिए मैंने 250 ग्राम मूंगफली ली थी और 50 ग्राम मैंने काजू लिया था, यानी टोटल मैंने 300 ग्राम लिया था। लेकिन हमारे पास ग्राइंड होने के बाद जो हम पाउडर यूज करेंगे वो टोटल मैं 250 ग्राम पाउडर यूज करूंगी। इसको भी हम रख लेंगे, कभी कतली में या ग्रेवी में यूज कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये फाइन पाउडर आया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लूंगी। देखिए हमारी कतली की ड्राई सामग्री तो तैयार है, अब हम इसकी चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई ले, उसमें 1/2 कप पानी डालें, 1 कप चीनी डालें और इनको लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने दें। यहाँ पर हम एक तार की चाशनी बनाएंगे, और एक तार की चाशनी मैं आपको अपनी पुरानी भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसमें ना तो हम केसर डालेंगे और ना ही इलायची पाउडर, क्योंकि इन कतली का अपना अलग ही टेस्ट होता है। अब मैं एक बार अपनी चाशनी को चेक भी कर लेती हूँ। देखिए एक तार बनने लगा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और हमारी जो ड्राई सामग्री है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और उसको मिक्स करती जाऊंगी। ये मिक्स हो चुकी है, अब मैं फिर से अपनी बची हुई सारी सामग्री इसमें डाल दूंगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स होते होते ये कितनी गाढ़ी हो गई है। हमें कुछ इसी तरीके से अपना मिश्रण तैयार करना था। अब मैं इसमें 1 टीस्पून गुलाब जल डालूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून घी डालूंगी। अब हम अपनी गैस ऑन कर लेंगे और इसको पैन छोड़ने तक हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये कतली खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और देखिए बनाने में भी इनको ज्यादा समय नहीं लगता है। इस दिवाली आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बातों ही बातों में हमारा मिश्रण भी अब पैन छोड़ने लगा है। मुझे इसको बस यहीं तक भूनना था। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और इसको लगातार चलाते हुए मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। मैंने यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर अपने मिश्रण को रखा है। आप चाहें तो किसी पॉलिथीन के ऊपर या आप फॉइल पेपर के ऊपर भी इसको इस तरीके से फैलाकर थोड़ा सा ठंडा भी कर लीजिए। इस तरीके से करने से हमारी कतली में बहुत ज्यादा शाइन आती है और ये थोड़ा सा ठंडा और हो जाता है। देखिए अब ये काफी ठंडा हो चुका है। अब मैं अपने हाथों में इसको लेकर एक इसकी बॉल बना लेती हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर मैं अच्छे से घी भी लगा लेती हूँ।
अब मैं इसके ऊपर बटर पेपर रखती हूँ और इसको अच्छे से दबाते हुए मैं बेलन के साथ इसको बेल लेती हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि इसको बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम ही करना है। यहाँ पर मैंने अब अपना बटर पेपर हटा दिया है और देखिए कितने आसानी के साथ ये बेल रहा है। अब मैं इसकी साइड्स को काट देती हूँ और इसको एक स्क्वायर पीस में कर लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से चारों तरफ से बिल्कुल बराबर एक पीस बनकर तैयार है। अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाऊंगी। चांदी का वर्क कतली के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। अगर आप अपने रोज के खाने के लिए बना रहे हैं तो आप वर्क मत लगाइए, लेकिन अब हम दिवाली के लिए बना रहे हैं मिठाई तो हम चांदी का वर्क भी लगा लेते हैं। अब मैं इसके कतली शेप के पीसेस काट लेती हूँ। देखिए कितनी आराम से कट रहा है, इसका मतलब हमारी कतली बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है। यकीन मानिए इस कतली का खाने में भी कोई जवाब नहीं। देखिए मेरी कतली सारी कट चुकी है। अब मैं इसका एक पीस भी आपको उठाकर दिखा देती हूँ। देखिए कितने आराम से हमारी कतली उठ रही है, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। है ना बिल्कुल काजू कतली की तरह। मैं इसको तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ। दिखने में भी सॉफ्ट है और खाने में तो ये लाजवाब है। आप भी इस दिवाली इस कतली को बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा। और प्लीज मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको 50 ग्राम काजू से बनी कतली कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।